1908 में मशहूर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ था। सुचेता भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 1946 में सुचेता संविधान सभा की सदस्य और प्रारूप समिति की सदस्य बनी। 1950 से लेकर 1952 तक प्रोविजनल लोकसभा की सदस्य रही। 1948 से 1960 तक इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव पद की कमान संभाली और 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। सुचेता महात्मा गांधी के बेहद करीबी थी और भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाते हुए महिलाओं को ड्रिल और लाठी चलाना सिखाया था। 1924 में आज के दिन संगीतकार मदन मोहन कोहली का जन्म हुआ था। 1950 से 1970 के दशक में मदन मोहन ने संगीत निर्देशन के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की। इन्होंने 1950 में रिलीज हुई फिल्म आंखें के जरिए इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की। हम प्यार में जलने वालों को, चैन कहाँ, आराम कहाँ, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, तेरे लिए आदि गानों के निर्देशन के लिए मदन मोहन को याद किया जाता है। मदन मोहन ने गजल के निर्देशन में भी अहम योगदान दिया। 1970 में फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया। मदन मोहन ने अपने ढाई दशक के लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। निर्देशक यश चोपड़ा ने 2004 में आई फिल्म वीर जारा में मदन मोहन की धुनों पर गाने तैयार करवाए जो काफी लोकप्रिय हुए। आज एक दिन 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के कई जगहों पर हमला किया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंग मैन री ने संयुक्त राष्ट्र को खबर दी कि लगभग 36 उत्तर कोरियाई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से सियोल की ओर बढ़ रही हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग ने इस हमले को जायज ठहराया और कहा कि हम अपने बचाव में कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने हमले का आरोप दक्षिण कोरिया पर लगाया। कोरिया का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की सेनाओं के वापस चले जाने के बाद हुआ था। सोवियत संघ की सेना उत्तरी कोरिया और अमेरिकी सेनाएं दक्षिण कोरिया पर काबिज थी। आज एक दिन 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के साथ ही देश में लोगों के तमाम जनतांत्रिक और मूलभूत अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अखबार और समाचार के सभी माध्यमों के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, जेबी कृपलानी और चौधरी चरण सिंह सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1977 में आपातकाल समाप्त हो गया। मशहूर गांधीवादी नेता विनोबा भावे ने इस आपातकाल का समर्थन करते हुए इसे अनुशासन पर्व का नाम दिया था। और 2005 में आज एक दिन ईरान के राष्ट्रपति चुनावों में अति कट्टरपंथी माने जाने वाले महमूद अहमदी नेजाद की जीत हुई थी। इन्होंने 62% मतों के साथ जीत हासिल की थी। जनता का मानना था कि पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी, रफसंजानी और निजात का मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि निजात को जनता ने ज्यादा पसंद किया। अपनी जीत के बाद निजात ने दुनिया के सामने ईरान को एक आधुनिक, विकसित और इस्लामी राष्ट्र की मिसाल के तौर पर पेश करने का वादा किया। इनकी जीत के पीछे देश की गरीब जनता और बेरोजगार युवाओं का समर्थन माना जाता है।